नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कारगिल विजय दिवस पर घुसपैठ कर रहे चार पाक आतंकी ढेर, एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। आतंकी लाहौर का रहने वाला। राज्यसभा में गांधी जी की हत्या पर सुब्रमण्यम स्वामी ने किए 3 सवाल, पूछा कोई बताए कितनी गोलियां मारी गई। 15 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तथ्यों को रखेंगे सामने। स्वाति सिंह को यूपी चुनाव मैदान में उतार सकती है बीजेपी। बीजेपी के आला नेताओं ने की जमकर तारीफ। मायावती को गाली देने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी है स्वाति। ओला उबर के खिलाफ दिल्ली में काली पीली टैक्सियों की हड़ताल थमी शहर की रफ्तार। 1,00,000 टैक्सी चालकों के हड़ताल में शामिल होने का दावा। और सातवें वेतन आयोग की केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अगस्त से मिलेगा लाखों कर्मचारियों को लाभ। न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 होगा। देश कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और आतंकी फिर सीमा लांघने की कोशिश में है। ऐसी ही एक कोशिश आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में की है। हालांकि जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 1 आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। आतंकियों का ये समूह देश की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसी समय गश्त कर रहे जवानों की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद उनमें मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें 4 को तो मार दिया गया, लेकिन बड़ी सफलता तब मिली जब 1 आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। देश मंगलवार को 17वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर अलग अलग शहरों में खास आयोजन किए गए हैं। वही द्रास के वॉर मेमोरियल समेत कई जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शहीद जवानों को नमन किया है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, नौसेना प्रमुख सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख अरुप राहा ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीर सैनिकों के आगे सिर झुकाता हूं जिन्होंने अंतिम सांस तक भारत के लिए लड़ाई लड़ी। उनके वीर बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्विटर पर जवानों के बलिदान को सलाम किया है। मायावती को गाली देने के आरोपी दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने गाली विवादों के बाद जैसे बीएसपी को आड़े हाथों लिया। मायावती और नजीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और मीडिया के सामने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, उससे साफ है कि बीजेपी को यूपी में एक नया नेता मिल गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता चंद्रमोहन ने कहा कि इस पर स्वाति खुद फैसला ले कि वह राजनीति में आना चाहती है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने भी स्वाति की तारीफ की है और कहा है कि अगर वह राजनीति में आती है तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें चुनाव मैदान में भी उतारा जाएगा। हालांकि उन्होंने बेहद साफ तौर पर स्वाति के राजनीति में आने की बात नहीं कही, लेकिन संकेत दिए कि उन्हें विधानसभा टिकट दिया जा सकता है। मॉनसून सत्र में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने महात्मा गांधी की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने तत्कालीन नेहरू सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर 3 सवाल दागे। उन्होंने महात्मा गांधी के पोस्टमार्टम की कोई जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि गांधी को आरएसएस ने नहीं अंग्रेजों ने मारा था। स्वामी ने कहा कि वे 15 अगस्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महात्मा गांधी की हत्या पर तथ्य सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, हमने राष्ट्रपति को भी लिखा था। जब यूपीए सरकार थी, हमने कहा था कि गांधी को ब्रिटिश लोगों ने मारा था। कुछ ऐसी जानकारियां हैं कि माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू दोनों का यही मोटिव था। केंद्र सरकार ने आज 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देने से संबंधित अधिसूचना जारी की। अधिसूचना को 25 जुलाई 2016 की तारीख से जारी किया गया है। ये निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगस्त के वेतन में उन्हें 7वें आयोग का लाभ मिलेगा। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त माह से रिवाइज सैलरी मिलेगी। कैबिनेट ने जून महीने में वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 2.57 का फिटमेंट
फैक्टर लागू होगा। साथ ही प्रतिवर्ष 3% की दर से वेतन में बढ़ोतरी होगी। ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के विरोध में दिल्ली की ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो और टैक्सी की 20 यूनियनों ने मिलकर संयुक्त कार्य समिति बनाई है। समिति ने दावा किया कि हड़ताल के समर्थन में करीब 85,000 ऑटो और 15,000 काली पीली टैक्सियां राजधानी की सड़कों से नदारद है। दिल्ली सरकार ने इस हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि ऐप आधारित कैब सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में केंद्र सरकार को ही कुछ करना चाहिए। हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भले ही आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप गदा हासिल किया हो, लेकिन भारत अगर मौजूदा सीरीज में वेस्टइंडीज को 4-0 से हरा देता है और बाकी दो सीरीज के नतीजे भी उसकी उम्मीदों के अनुसार होते हैं तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नंबर एक स्थान से हटा सकती है। अगर भारत 4-0 से जीत दर्ज करता है, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज ड्रॉ रहती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका 1-0 या इससे बेहतर अंतर से जीत दर्ज करता है तो भारत नंबर एक टीम बन जाएगा। आईसीसी ने आज बयान में ये जानकारी दी। भारत ने एंटीगा में पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 92 रन के अंतर से हराया था। डोपिंग में फंसे पहलवान नरसिंह यादव का विवाद अब पीएम मोदी तक पहुंच गया है। कुश्ती संघ के पीएम मोदी को नरसिंह की शिकायत सौंपी है। कुश्ती संघ ने नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश की बात कही है। संघ ने कहा कि सोनीपत कैंप में नरसिंह के खिलाफ साजिश रची गई थी। संघ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर भी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, नरसिंह के मामले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। संघ को कैंप में मौजूद एक महिला इंचार्ज पर भी शक है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर नरसिंह यादव आज सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके कारण उनकी ओलंपिक में भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका रियो का सपना तोड़ने के लिए ये साजिश रची गई है। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में बाढ़ की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 58,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है और अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार के जिलों में बाढ़ की वजह से 150 गांवों में करीब 58,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा विभाग के मुताबिक ये मौतें डूबने या दीवार ढहने या बाढ़ के पानी में सांप के काटने से हुई है। अधिकारियों ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में कालचीनी, छिटमहल और कुमार ग्राम, फुलबाड़ी और डाब ग्राम शामिल है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।